Welcome back to my channel. Today we are going to see an interesting topic, that is Dhwani. Before going to my topic, please like it, share it and subscribe it. Now we will see the author of this poem, Suryakant Tripathi Nirala. We'll see his basic profile now. Nirala ka janma Bengal ke Medinipur jile mein 21 February sun 1899 mein hua. High school ki shiksha के बाद घर पर हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया. निराला जी जयशंकर प्रसाद पंत महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं. उन्होंने सुधा, समन्वय, मतवालम आदि पत्रिकाओं के लिए काम किया. निराला जी का जीवन आर्थिक संकटों में बीता. अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने इलाहाबाद में बिताया. 15 अक्टूबर 1961 को उनकी मृत्यु हुई. नाउ वी विल सी द सारांश ऑफ दिस पोएम. सो इस कविता में कवि कहते हैं कि उनके जीवन में कोमल वसंत का आगमन अभी अभी हुआ है. जिस तरह वसंत आते ही पेड़ पौधों में नए पत्ते फिर खलियों तथा कोमल शरीर का निर्माण होता है, उसी तरह कवि भी कोमल सुंदर सपनों में सोते हुए खलियों की तरह प्रातः होते ही जाग गया. कवि अपनी कविताओं के माध्यम से निद्रामग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेंगे. नींद से अलस्याए हुए एक एक फूल अर्थात एक एक युवक के आलस को दूर कर अमृत से नए जीवन का संचार कर देंगे. उनके जीवन में ऐसा मार्गदर्शन करना चाहते हैं जिससे उनका जीवन स्वर्ग सा सुखी बने. अतः इस नव जागरण का अंत कभी ना होगा. सो दिस इज द सारांश ऑफ दिस लेटर. लेट्स सी द बुक ऑफ नाउ, आई मीन बुक ऑफ दिस पोम नाउ. सो गाइस, दिस इज द पोम. अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत. अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात में ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस कीच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं द्वार दीका दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां आनंद. अभी ना होगा मेरा अंत. सो दिस द लेसन, आई मीन पोम. Suryakant Tripathi Nirala was written this. Dhwani was written by Suryakant Tripathi Nirala. Thank you guys for watching my channel. Please like it, share it and subscribe it.